फ़ारुद्दीन साहब चीफ एडिटर रोज़नामा रहनुमाए दक्कन का कल रात मुख्तसर सी अलालत के बाद तकरीबन 82 साल की उम्र में इंतकाल हो गया और उनका इंतकाल होना दुनियाए उर्दू के लिए इंतहाई नुकसान का साबित हुआ है और मुसलमानों ने दक्कन के लिए जो उनके खिदमात है, उर्दू के खिदमात है और दीगर जो खिदमात है वो भूल जाने वाली बात नहीं है। सारे मुसलमानों के लिए ये बहुत ही सदमे का और अफसोस का मौका है। आज मक्का मस्जिद तारीखी मक्का मस्जिद में बाद नमाज जुमा उनके नमाज जनाजा हज़रत मौलाना मुफ्ती फरीद अहमद साहब शेख जान मैदान की नामत में अदा की गई और तदफीन मूसा फ़ादरी साहब पुराना पुल के अहाते में आ रही है। तो मैं बहुत ही अफसोस के साथ और दिल की गहराइयों से खिराज अकीदत पेश करता हूँ और उनके तमाम खिदमात को और उनके तमाम जो भी उर्दू से मुतालिक जो भी खिदमात हैं उनके इसका इतराफ़ करते हुए उनके मगफ़रत की दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके खिदमात को कबूल फरमाए जन्नत फ़िरदौस में आला से आला मुकाम आमीन। हज़रत सैयद विखारुद्दीन साहब क़िबला खादरी साहब क़िबला की मगफ़रत फरमाए आमीन और बिलखसूस उर्दू ज़बान के लिए, उर्दू अदब के लिए, उर्दू तहजीब के लिए जो इदारा रहनुमा दक्कन गुज़िश्ता 70 साल से जो खिदमत अंजाम दिया उनकी सरपरस्ती में अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके खिदमत को अंजाम फरमाए। एक आलमी शख्सियत थी, अर्ज़ दक्कन से उठ के जो मिली मसाइल पर, सारे दुनिया के मिली मसाइल पर जो गुफ्तगू किया वो सिर्फ महदूद हैदराबाद तेलंगाना या हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि आज आप जायज़ा लीजिए तो सबसे कोई एक ऐसा शख्स नज़र नहीं आता हिंदुस्तान के अंदर जो फ़लस्तीनी मुसलमानों के हकूक़ के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया, इसराइल और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए जिसने अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया उसका नाम विखारुद्दीन साहब है। बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं उनके साथ राबता पैदा करते हुए हैदराबाद को और हिंदुस्तान के मुसलमानों को जोड़ने वाली शख्सियत का नाम सैयद विखारुद्दीन साहब है, जिसने इंडो अरब लीग क़ायम किया और फ़लस्तीन के हमें होने वाले जुल्म को आलमी सतह पर ले आया, वो हैदराबाद सके हैदराबाद के मुसलमानों तक उस मसाइल को पहुँचा कर एहसास जगाया कि रोहमा बैनोम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, अशिद्दा अल कुफ्फार और काफिरों के ख़िलाफ़ हमको मुत्तहिद होकर काम करना है। बहरहाल एक तारीख साज शख्सियत थी। दुनिया में तो यूँ लोग आते हैं और दुनिया से चले जाते हैं लेकिन कुछ लोग तारीख साज बन जाते हैं, वो तारीख साज शख्सियतों में हैदराबाद की विखारुद्दीन साहब का नाम बाकी रहेगा। मैं उस इदारे के लिए और उनकी मगफ़रत के लिए दुआगो हूँ और मेरे मरहूम वालिद मोहम्मद अमानुल्लाह खान के बड़े करीबी रफ़ीक थे, मोहसिन थे, मंजिल बचाओ तहरीक के मेरे वालिद के गुजरने के बाद एक बड़े सरपरस्त थे, उनकी सरपरस्ती में तहरीक ने उनके मशावरात और उनकी हमदर्दियों से बड़ा काम किया और तमाम तहरीक के लोग आज एक अपने सरपरस्त को खो दिए जो हर मुश्किल वक्त में तहरीक के साथ खड़े हुए। हम अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जन्नत में आला मुकाम अता करें। अस्सलामु अलैकुम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। हजरात, आज मक्का मस्जिद में नमाज जनाजा अदा करने के लिए हाजिर होने का मौका मिला। आज हमारे दरमियान से वो महबूब तरीन शख्सियत दुनिया से रुख्सत हुई है जो रहनुमाए दक्कन के रहबर थे और बहुत ही अच्छे अंदाज से इन्होंने ना सिर्फ अखबार को चलाया बल्कि कौम के लिए भी जितना हो सकता है इन्होंने अपने अखबार के ज़रिए कोशिशें की है।
अल्लाह उन कोशिशों को कबूल फरमाए और मरहूम की मगफरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और उनके जो काम हैं अल्लाह उसको मजीद तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वखार पाशा मिल्लत की अजीम शख्सियत थे, उन्होंने हर तरह की ज़हमतें उठाकर मुखालफतें सहकर अपने अखबार को जारी रखा और कभी अखबार के लिए अपनी हैसियत को बिकाया नहीं। अपनी हैसियत और वक़ार बाकी रखे और आज तक भी बाकी है और उन्होंने अखबार से कुछ कमाया नहीं। अखबार से कुछ कमाया नहीं, अखबार गोया मिल्लत के लिए वक्त था और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अल्लाह करवट जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। बड़े मिल्लत के खैरख्वाह थे और मिल्लत के लिए वो बहुत कुछ खिदमत किए हैं। जब कभी कर्नूल आते तो कर्नूल में भी वो बड़ी खिदमत करते। एक बिल्कुल गरीब आदमी शायर, उसको उठा के 10,000 रुपये दिए। लोग बोले कि आदमी को आप इतने आसानी के साथ 10,000 रुपये दिए, उर्दू का वो खिदमत गुजार है, अगर मैं उसको नहीं दूंगा तो किस तरीक़े से उर्दू बाकी रहेगी। ये उनके जज्बात थे, ये उनकी खिदमत थी, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत ही अफसोस का दिन है, जनाब मरहूम सैयद इफ़ारुद्दीन साहब जो एक अजीम शख्सियत थी, आज हमारे साथ नहीं है। ये कौम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए और उनकी जो भी काविशें थी अल्लाह उसे कबूल फरमाए और अल्लाह हर मुसलमान की मग़फ़िरत फरमाए। सैयद वखारुद्दीन साहब एक अजीम सहाफ़ी, एक उर्दू अखबार के जो कदीम उर्दू अखबार रहनुमा दक्कन के मालिक भी थे और वो अपने आप में एक बड़ी आला शख्सियत थे, जिसमें उर्दू की खिदमत, उर्दू ज़बान की खिदमत और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन की जंग में उन्होंने इतना पूरे हिंदुस्तान भर में एक मुहिम चलाई कि मस्जिद अल अक्सा की आज़ादी के लिए और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए। इसीलिए उनको जब फ़लस्तीन मुल्क बना, यासर अरफा साहब ने उन्हें बहुत बड़े अवार्ड से भी नवाजा। जब यासर अरफा साहब हैदराबाद तशरीफ़ लाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उनके साथ प्रोग्राम था उस दफ़ा की हुकूमत में, चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर, मैं अपोजिशन लीडर के हिस्से से मुझे भी उनके साथ बैठने का, यासर अरफात के साथ में मसाफा करने का, उनके सामने तकरीर करने का मौका मिला। तो हमेशा वो एक ऐसे नेक इंसान थे, दिल में कभी किसी के बारे में बख्स नहीं रखते थे, बिल्कुल साफ दो इंसान थे। ऐसी अजीम शख्सियत का गुजर जाना ना कि हैदराबाद बल्कि पूरे अरब दुनिया और सब के लिए बड़ा नुकसान है। उन्होंने हमेशा अपनी ज़ाती रकम से फ़लस्तीन की मिटाएंगे करे। मैं कभी पूछता था कि बखार भाई इतना पैसा खर्च कर रहे हैं आप, अरब ममालिक के पास तो आजकल बहुत दौलत आ गई है। बोले तो भाई उनका काम वो कर रहे हैं नहीं कर रहे नहीं मालूम, मुझे अल्लाह को जवाब देना है। मैं क़िबले अव्वल मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की आज़ादी को देखना चाहता हूँ, उसके लिए मेरा अपना ज़ाती सरमाए से उन्होंने काफ़ी मीटिंगें करे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। मुदीर आला रहनुमाए दक्कन जो माजी में रहबर दक्कन के तौर पर यह अखबार दक्कन में रियासत दक्कन में शुरू हुआ निज़ाम के दौरे हुकूमत में, यह अखबार की खसूसियत में जवानों को ये बताता हूँ कि यह इंजमाम में हिंदुस्तान में जब हुआ है, उससे पहले इस अखबार का नाम रहबर दक्कन था, बाद में इसको रहनुमाए दक्कन बनाया गया। तो इस अखबार एक ये अखबार नहीं था बल्कि एक तहरीक थी,
तेलुगु देशम के जब वजूद में आया तो एनटी रामाराव ने उस दौर में वखार पाशा साहब से ही मिलकर यानी उर्दू सहाफत में अगर कोई चेहरे को अगर मुंतखब किया जाता तो वो वखार पाशा साहब थे। मगर नई नस्ल को क्योंकि इस बात का पता नहीं कि आजकल की सोशल मीडिया की दुनिया में उनके तारुफ की कमी है, क्योंकि उनके जो खिदमत रहे यानी 100 साल के करीब इस अखबार को होने जा रहे हैं और यहाँ पर जो उनकी खिदमत थे उसके अवज़ में मुसलमान जमा हुए, उनको खराज किया, उनकी खिदमत को कबूल करने की दुआ की और ख़ास तौर पर मशाइखीन के लिए उन्होंने एक अपने अखबार को वक्फ कर दिया था। ये उनकी एक तहरीक का एक हिस्सा था और फिलिस्तीन हिंदुस्तान फिलिस्तीन के माबैन उनका जो इत्तेहाद के लिए कोशिशें थी। और ये अहम बात बता दूं मैं आप लोगों के चैनल के ज़रिए से, ये वो वैसा एक वाहिद अखबार का एडिटर था जो अपने जेब का पैसा लगाकर बिना चंदे पर बिना डोनेशन पर मुसलमानों के लिए खिदमत किया है। विखारुद्दीन साहब के इंतकाल से बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। मैं अपने कॉलेज के ज़माने से उनको जानता था, कई बार हम दोनों मिलकर क्रिकेट भी खेले। खैर उसके बाद उनके जो खिदमत रही बहुत ही आज ऐसे मौके पर याद करना ज़रूरी है। और जो अरब मुल्कों से दोस्ती बढ़ाने की उनकी हमेशा कोशिश रही, एक बड़ी अजीम शख्सियत हैं। और मैं आज के दिन बड़ा अफसोस होता है कि हमें छोड़ कर गए हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि उनको जन्नत फरमाएँ।